बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल सीखना चाहिए। जिन लोगों ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी बनाई है उनका मकसद ये होता है कि इसका मुस्बत इस्तेमाल सीखें, मुस्बत इस्तेमाल करें और मुल्क व कौम की फलाह बहबूद में इसको खर्च करें। मेरा यूरोप के 23 ममालिक में जाना हुआ है। अभी हाल ही में मैं यूरोप गया था, 7 मुल्कों में जाना हुआ। वहाँ पर तालीमी इदारे, दानिशगाहें, दरसगाहें तलबा तालिबात से भरे होते, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ होती हैं, वहाँ तलबा और तालिबात किताबों का मुताला कर रहे होते हैं। मुझे इटली जाना हुआ, इटली का इलाका है बोलोनिया। मुझे बताया गया कि ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये 7 मंजिला लाइब्रेरी है। मैंने कहा ये लाइब्रेरी देखनी चाहिए। जब लाइब्रेरी में हम अंदर गए तो वहाँ पर जो पहली जमात के बच्चे थे वो लाइब्रेरी आए हुए थे और उनको लाने वाले उनके टीचर थे। उनको बताया जा रहा था कि आपने मुताला किस तरह करना है, तरीका कार क्या होना चाहिए। इसी तरह वहाँ की मैंने ट्रेनों में सफ़र किया, मेट्रो में सफ़र किया, बसों में सफ़र किया। वहाँ पर हर शख्स के पास एक बैग होता है और बैग के अंदर 3 चीज़ें लाजमी होती है। नंबर 1, पानी की बोतल, पानी बहुत ज़्यादा वो लोग पीते हैं। नंबर 2, लैपटॉप होता है या मोबाइल होता है। और जब मैंने देखा, मैं वहाँ ट्रेन में गुजर रहा था, ऐसे देखता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये करते क्या हैं, इसको देखें अपने वक्त अपना औकात किस तरह ये सर्फ करते हैं। तो हर आदमी बैठा हुआ डॉक्यूमेंट्री देख रहा है या कोई सर्च कर रहा है, कोई तहकीक कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई इसी तरह। एक उनके पास किताब होती है बैग के अंदर, हर आदमी बैठा हुआ किताब पढ़ रहा है। अगर मैं एक झूले के पास था, झूले में हमने बैठना था, वहां गए तो मैंने कई लोगों को देखा बैग से उन्होंने किताब निकाली और झूला जब तक आ रहा है खड़े होकर ऐसे किताब का मुताला कर रहे हैं। आज वो तरक्की याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, शऊर है, तो उसके पीछे तालीमी इदारों का बहुत बड़ा किरदार है। आज जितनी जदीद तरीन चीजें हैं सारी यूरोप से आ रही है। हम मुसलमानों 500 बड़ी यूनिवर्सिटी है, अहम यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की कोई एक यूनिवर्सिटी भी शामिल नहीं। पाकिस्तान क्या आलम इस्लाम की कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं। जितनी जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है ये सारी वहां से आ रही है। क्यों? वजह इसकी है कि वहां के लोग जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कामों को, अपने औकात को तामीरी मुस्बत कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शुमार तरक्की याफ्ता कौमों में हो, तरक्की याफ्ता मुल्कों में हो, तो हमें तालीमी निज़ाम को बेहतर करना होगा। आज हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर आप चले जाएं, नौजवान लड़के लड़कियाँ, तलबा तालिबात, छोटे बड़े, दादा दादी, नाना नानी, बच्चे सारे टिकटॉक पे लगे हुए हैं, सारे सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, सारे फेसबुक पर बैठे हुए हैं, सारे देख क्या रहे हैं। एक दिन मैं एक जगह पर गया, मैंने कहा ये नौजवान सारे बैठे हुए हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं। हर आदमी टक टिकटॉक पे लगा, टक ऐसे उंगली घुमारा जा रहा है, वीडियो एक वीडियो पूरी नहीं देख रहा, ऊपर कर रहा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इसी पर टिकटॉक पर। और सबसे अफसोसनाक बात है कि फहाशी और यानी पर मबनी चीजें देखी जा रही हैं। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बुना अन तशियल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग फहाशी और यानी का प्रोमोट करना चाहते हैं, उसका इजहार चाहते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। तो हमारे बच्चों को, बच्चियों की सही तरबियत की जरूरत है। जैसे कैसी यहाँ तालीम तो हो रही है लेकिन तरबियत का फुकदान है। तरबियत किसको कहते हैं, इस पर इंशाल्लाह हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज इस वीडियो का मकसद ये है कि भाई फहाशी और यानी जो यहाँ पर लोग प्रोमोट कर रहे हैं, नौजवान फहाशी और यानी पर मबनी चीजें ही देख रही हैं, जुमाना ड्रामे देख रहे हैं, गंदे गलीज ड्रामे और फिल्में देख रहे हैं, ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं, इससे बचना चाहिए। ये जो कहा गया ना कि जो लोग फहाशी और यानी चाहते हैं इनके दुनिया और आखरत में दर्दनाक अजाब, आखरत में दर्दनाक अजाब तो होगा ही होगा लेकिन दुनिया में भी अल्लाह तबारक व ताला उनको दिखा रहा है। जिनकी कोई एक फोश वीडियो आ जाती है वो बदनाम होकर रह जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डॉक्टर आमिर लियाकत से लेकर अलीजा सहर तक आप तजिया करके देख लें,
जिनकी फहाशी और यानी पर वीडियोस आई वो डिप्रेशन में चले गया, वो परेशानी में चले गया, वो परेशान हो गया, उसकी इज्जत खाक में मिल गई। तो आज हम सब लोगों को चाहिए कि अपने मोबाइल पर कंट्रोल रखें, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें लेकिन मुस्बत इस्तेमाल करें। पहले इसका मुस्बत इस्तेमाल सीखें और इसका मुस्बत इस्तेमाल करें। हम नौजवानों को मुस्बत इस्तेमाल ही करना नहीं आता। मेरा एक बच्चा था, मैंने उसको कहा सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, आपकी 24 घंटे की जिंदगी सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। उसने कहा भाई आप हमें बताएं ना सुन्नत के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारनी है, वॉशरूम जाना है तो सुन्नत के मुताबिक कैसे जाना है, घर से बाहर निकलना है तो सुन्नत के मुताबिक कैसे निकलना है, घर में मेहमान आ रहा है तो उसके साथ सुन्नत के मुताबिक किस तरह रवैया अपनाना है। बच्चे की बात मेरे दिल को लगी, हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। फिनलैंड जाना हुआ, स्कूल में तालीम हो रही थी, एक कमरा था, उस पूरे कमरे के अंदर कीबोर्ड लगे हुए थे, बहुत सारे कीबोर्ड लगे हुए थे। मैं हैरान होगा कि इस कमरे के अंदर इतने सारे कीबोर्ड क्यों लगे हुए थे। थोड़ी देर के बाद एक खातून आई, 8-10 बच्चों को लेकर आई, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको सिखाया जा रहा था कीबोर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, कीबोर्ड पर कैसे बैठना है, इस्तंजा कैसे करना है, और बाद में आप फरागत के बाद अपना वो जो कीबोर्ड है उसको साफ किस तरह करके जाएंगे, उसको बंद किस तरह करके जाएंगे, पानी गिरा तो उसको साफ किस तरह करके जाएंगे, कीबोर्ड का इस्तेमाल बता रहे थे। आज जरूरत इस बात की है कि एक इस्लाहे माशरा के नाम से तहरीक हो जिसका मकसद ये हो कि हमारे माशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं इनका खात्मा हो, बच्चों को सुन्नत के मुताबिक तरीका सिखाया जाए। सुन्नत के रास्ते जन्नत के रास्ते हैं। आपके करने का काम यह है कि आप जहां पर रह रहे हैं अपने शागिर्दों को, अपने बच्चों को, अपने मुलाजिमों को सही तरीका सिखाएं, मोबाइल का सही इस्तेमाल सिखाएं, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल सिखाएं।